Assalamualaikum ji, thank you very much Just One TV for asking me how I'm spending my quarantine days. Well, being a practicing lawyer, it is very, very difficult to sit at home. I believe there are like primarily two areas of law practice. One is the litigation side of law and the other is the transactional work. Those who are morely into the litigation side of law, उनके पास अब वक्त मिल गया है कि वो अपना तमाम का तमाम पेंडिंग वर्क निकाल लें और जो ट्रांजैक्शनल काम कर रहे हैं दे कैन वर्क फ्रॉम होम. मैं क्योंकि ट्रांजैक्शनल काम भी करता हूँ, लिटिगेशन भी करता हूँ, इस वजह से मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. आई एम ट्राइंग टू डिस्पेंस ऑल माई पेंडेंसी. अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरेस्टिंगली मैं क्वारंटाइन टाइम जो है वो अपने फार्म हाउस पर स्पेंड कर रहा हूँ. अल्लाह हैज़ बीन काइंड टू मी. इधर हम लोगों ने सबको तलकीन की है कि वो जो भी कोई शहर की तरफ जाता है वो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके जाए और वापस जब आता है तो अच्छे तरीके से सैनिटाइज करे, शावर ले. और आई गेस ये क्वारंटाइन का असल मकसद ये है कि आप दीन के करीब हों. क्वारंटाइन का असल मकसद ये है कि वो तमाम काम जो कि आप करना चाहते थे लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से नहीं कर पा रहे थे वो तमाम काम आप करें, और साथ ही साथ उन तमाम मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें जो इस वक्त जिनके पास रिज़र्व फंड्स नहीं हैं और जो इस वक्त पैसे सही से नहीं कमा सकते हैं. तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने अल्लाह से, अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक, अपने परवरदगार से, अपने अपने फ़िरके के मुताबिक रो रो के दुआएं करें. हमसे कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से शायद परवरदगार हमसे नाराज़ है, शायद कोई आजमाइश है. और अगर तो जैसे लोग कह रहे हैं कि ये वबा नहीं, ये एक आखरत का मंजर है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो और से ज़्यादा आप अल्लाह के करीब हों और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए जो उनसा है दुआएं करें, इल्तजाएं करें. और अगर ये वबा है और जिसने चल जाना है, थम जाना है, तूफान है, थम जाना है, इसका आखिर थमना है. और बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों का ईमान ये है कि जो भी कोई आफत आती है, जो भी कोई तूफान आता है, उसने जाना ही जाना होता है, उसने थमना ही थमना होता है. बस इस आफत और तूफान के वक्त में आपने किस तरीके से गुजारना है, अपने करीबी लोगों का, उन रिश्तेदारों का ख्याल रखिए जो शायद मुस्तहिक हैं, और साथ ही साथ वो तमाम काम कीजिए. मैं फिशिंग करता हूँ जी, मैं यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करता हूँ जी, और मैं गार्डनिंग करता हूँ. बस आई हैव अ डेस्क हेयर और मैं नेचर के करीब हो के ऑर्गेनिक खा रहा हूँ और नेचर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ. दिस इज़ हाउ आई एम बीन स्पेंडिंग माई क्वारंटाइन डेज. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी.